नमस्कार दोस्तों, आपका रेड टू कैच 8 चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीन लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। तो बुक्स का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के उपन्यास की, जिसका नाम है सत्या की मसाल। इसके लेखक हैं रतन लाल शर्मा मिनारिया नीर, और इसको पब्लिश किया है सृष्टि प्रकाशन द्वारा। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 134 और इसका पेपरबैक प्राइस है 160। लेखक की बात करें तो लेखक राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उन्होंने शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया हुआ है। इस किताब से पहले लेखक की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें नाटक है औलाद, माँ की पुकार, कहानी संग्रह रिश्तों की गरिमा एवं नारी, उपन्यास है पुनर्विवाह और निंदनी, और आने वाली जो पुस्तकें हैं उनमें है उपन्यास नया सवेरा निकलेगा, कहानी संग्रह अनमोल रिश्ते। उपन्यास के मुख्य विषय की बात करें तो मुख्य विषय है राजनीति, गौ रक्षा। तो अगर गौ की बात है तो हिंदू मुस्लिम की बात होनी ही होनी है, तो इस उपन्यास में भी है हिंदू और मुसलमान की। तो इसमें मुख्य विषय हो गया है धर्म, राजनीति प्लस गौ रक्षा। अगर उपन्यास की कहानी की बात करें तो कहानी यह है कि गांव का एक युवक अपने दोस्तों के साथ शहर कॉलेज में पढ़ने जाता है। तो जो पहला ही सीन है वो है कि जो युवक गांव से जाता है वो अपनी मारवाड़ी देशी अपनी वस्त्र पहन के जाता है, जिसका मजाक वहां के जो कॉलेज के लड़के होते हैं या शहर के एक बिगड़े हुए लड़के होते हैं वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा जादूगर या कैसे एक मदारी के जैसे लग रहा है। क्योंकि पश्चिमी कल्चर आने के कारण अब कोई भी अगर अपने गांव के जो कपड़े होते हैं या अपने कोई देश की या एक जो भारत में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग की संस्कृति है, कल्चर है अपना, तो कोई भी अगर अपना कल्चर फॉलो करता है तो दूसरे कल्चर वाले उनका मजाक उड़ाते हैं। वेस्टर्न कल्चर आने के कारण आजकल भारत में अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति फॉलो करने में हमें शर्म महसूस होती है। तो इसी सीन को लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जिसमें वो जो पात्र है गांव का वो अपने वस्त्र पहनने पर शर्म महसूस नहीं करता, वो मान महसूस करता है। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि वेस्टर्न दौर के आने के कारण, फिल्मों के कारण, हॉलीवुड फिल्में देखते हैं कि अब ग्लोबलाइजेशन का एक बहाना मिला है कि हमें एक ऐसा जो संस्कृति है उसी को फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं ये मानता या विश्वास करता, या मैं इसको आपके थोपना चाहता हूं कि हमें अपनी जो पुरानी ही संस्कृति है उसको ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप अगर फॉलो नहीं कर सकते, आपको शर्म भी नहीं आनी चाहिए। कभी कभी आपको अगर पहनना है तो वो पहन सकते हो, या अपनी जो भी मातृभाषा है वो आप बोल सकते हो। ये नहीं कि आप पंजाबी बोलते हो या हिंदी बोलते हो तो आप अनएजुकेटेड हो। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेटेड लैंग्वेज समझा जाता है, वो भी एक भाषा है, आपकी भी एक भाषा है। कहानी में आगे विक्रम और उसका दोस्त अब्दुल एक ऐसी फैक्ट्री का भांडा फोड़ते हैं जहां पे गौ हत्या की जाती है। इसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि जब विक्रम अपने दोस्त अर्जुन के बहन की शादी में जाता है, अर्जुन उनका प्रतिद्वंदी होता है लेकिन दोस्त भी होता है। अर्जुन की अलग पार्टी होती है राजनीतिक में और विक्रम की अलग होती है, लेकिन दोनों ही ईमानदार हैं तो इसलिए वे दोनों ही मित्र हैं। वह विक्रम जब उनकी बहन की शादी में जाता है तो वहां पे जब खाना लगता है तो खाना खाने के बाद जो भी उस शादी में आए होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। चार पांच की मौके पे ही मौत हो जाती है और बाकी का सभी का पेट खराब हो जाता है। और जब पूरी जांच होती है तो पता चलता है कि उसमें रणवीर जो कॉलेज में विक्रम के प्रतिबंधित रहते हैं चुनाव में, और उसके पिता सेठ सुंदर जो कि एक उद्योगपति हैं और जिनका कृपा राम एक नेता से अच्छे संबंध है, तो उन दोनों का नाम आता है। तो दोनों की ही जेल की सलाखों में पीछे किया जाता है और उनको सजा दी जाती है। इस चीज से बड़ा नेता जो कृपा राम वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उनका बंदा होता है अर्जुन और इकबाल। तो एक ऐसा वो प्लान रचता है जिसमें अर्जुन की ही हत्या करवा देता है और उसका सारा ही इल्जाम है जो वो विक्रम पे डाल देता है। तो वो किस फायदे के लिए कर रहा है, उसके निशाने कौन कौन से हैं, और इसका जो इंसाफ है अंत में क्या होगा, क्या विक्रम बरी होता है या नहीं होता, इस इकबाल की क्या साजिश है इसमें, और कृपा राम का क्या फायदा हो रहा है। तो ये सारी ही जो राजनीति के षड्यंत्र हैं, ये अंत में आपको किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सा दोषी है, कौन बेइंसाफ है, तो राजनीति में जाने के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। क्योंकि विक्रम की सोच होती है कि वह कुंवारा रहकर अपने देश की सेवा करेगा और राजनीति में जाकर ही देश की सेवा हो सकती है, लेकिन इस चीज का जो परिणाम निकलता है
उसके कारण विक्रम तोबा तोबा करता है राजनीति से। और लेखक ने इस चीज को भी अच्छे तरीके से बयान किया है कि जो देश की सेवा करनी है उसके लिए कुवारा रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि विक्रम सोचता है कि मैं कुवारा रहूंगा, सिंगल रहूंगा, फिर ही देश की मैं सेवा कर सकता हूं। वो एग्जाम्पल देता है मोदी की, देता है जोगी की, देता है अब्दुल कलाम की, देता है और बहुत सारी एग्जाम्पल देता है, लेकिन अंत में उसे लगता है कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो अगर आपने देश की सेवा करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में ही जाएं, जरूरी नहीं है कि आप सिंगल ही रहें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो यह है इस उपन्यास का प्लाट, और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें राजनीति के षड्यंत्र हैं, धर्म की बात है, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे होते हैं उनमें राजनीति का कैसा हाथ है, और खास बात इस नावल की, उपन्यास की या लेखक की यह है कि उन्होंने पूरा निष्पक्ष होकर लिखा है। उन्होंने ना हिंदू की सैड ली है, ना ही मुस्लिम की सैड ली है, उन्होंने इंसानियत की सैड ली है, और जो असली धर्म है वो इंसानियत ही है। तो हमें भी उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें ये लड़ना चाहिए कि मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। तो हम एक देश के हैं, हमारा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। तो यही पाठ पढ़ा रहा है ये उपन्यास। अब बात करते हैं इस उपन्यास की भाषा शैली की। तो भाषा शैली बहुत ही आसान है, और इसमें कुछ शब्द हैं जो संस्कृतिक भाषा के शब्द लेखक ने इस्तेमाल किए हैं, जो कि आम हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो ऐसे मुश्किल शब्द भी नहीं कि आपको पता ना चले, लेकिन उनके कारण ये उपन्यास और रोचक लगता है, जो भाषा शैली है और रोचक लगती है। अगर इस किताब की मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस किताब को मैं 4 out of 5 में से रेटिंग दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और किताब के रिव्यू के साथ। तो ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए यह चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं नई बुक्स का ही ज़्यादातर रिव्यू करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी फेम्स बुक का रिव्यू करूँ, क्योंकि फेम्स बुक्स का आपको ऑलरेडी आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो नई किताबें होती हैं उनके बारे में हमें खरीदने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये लेखक कैसे है और इस किताब में वो क्या कहना चाहता होगा या इसकी स्टोरी क्या होगी। तो इसी शशोपंच के निजात के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो प्लीज मुझे जरूर सपोर्ट करें और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिंदगी जिंदाबाद।